की तह तक देखते रहिए गुनाहों की दस्तक। गंडई पंडरिया बैंक से रेकी करते हुए मौका देखकर अज्ञात चोरों ने ग्रामीणों से 16,000 की रकम को चोरी कर लिया। मामला बीते 8 सितंबर का है, जब पिंडरवानी निवासी गिरधारी राम साहू एवं उसका चाचा दुलारू राम साहू बैंक से पैसा निकालने गंडई के दो बैंकों में आए थे। सबसे पहले दोनों चाचा भतीजा गंडई के SBI बैंक गए, जहां से उन्होंने 16,000 रुपए निकाले। उसे थैले में पासबुक के साथ डालकर साइकिल की हैंडल में लटका दिया। वहां से थोड़ी दूर पर स्थित जिला सहकारी बैंक चले गए, जहां दूसरे खाते से 25,000 रुपए निकालने उक्त 25,000 को चाचा दुलारू राम साहू ने अपने जेब में रख लिया और पासबुक को थैले में डालकर थैला को साइकिल की हैंडल में रखकर टिकरी पारा स्थित मेमन जड़ी बूटी की दुकान में गए। उस समय दोपहर 2:15 से 2:30 बजे का समय था। चाचा दुलारू राम साहू दुकान के सामने साइकिल को खड़ी कर दुकान गया, लेकिन दुकान बंद था। दुकानदार के यहाँ काम करने वाली महिला से पेन नील का पाउडर मांगा और उक्त महिला के दवाई लाते तक दुलारू राम साहू साइकिल के पास दुकान की तरफ चेहरा रख कर खड़ा हो गया। तभी दवाई देने वाली महिला ने दुकान से निकलकर दुलारू साहू को बताया कि तुम्हारे साइकिल से थैला निकालकर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से गंडई की ओर भाग रहे हैं। यह बात सुनकर दुलारू राम ने थैला ले जाने वाले का पीछा किया, उसे लुटेरे नजर नहीं आए। दुलारू राम वापस दुकान के पास आया और दुकान वाले आदमी को बताया कि थैले में 16,000 रुपए रखा है और उक्त दुकानदार के मोटरसाइकिल में बैठकर थैला ले जाने वाले चोरों का पता तलाश करने राजनांदगांव रोड, कवर्धा रोड, धमधा रोड गए, पर उक्त लुटेरे कहीं नजर नहीं आए। लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों ने सफेद रंग की कमीज और नीले रंग की फुल पैंट पहने रखा था। एक व्यक्ति चेहरे में कपड़ा बांधा हुआ था। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की घटना क्षेत्र में पहली बार हुई है। बीते 27 फरवरी को भी इसी प्रकार की एक लूट की घटना को दो अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया था और चाकू की नोक पर 40,000 रुपए को लूट लिए थे। ग्राम पंचायत खौड़ा निवासी टिकैत राम पटेल एवं उसका दामाद भी इसी प्रकार 27 फरवरी को जिला सहकारी बैंक आए थे और 40,000 रुपए निकालकर वापस शाम 5 बजे खौड़ा जा रहे थे। तभी बूढ़ा सागर और ढाबा के बीच रास्ते पर दो लोगों ने अपने बाइक को उनके बाइक के रास्ते में लाकर बाइक खड़ी कर चाकू की नोक पर 40,000 रुपए लूट लिए। उक्त मामले को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। अगर दोनों ही मामले को मिलाया जाए तो कुछ समानता देखने को मिल रही है, जिसमें मुख्य रूप से बैंक से पैसे निकालना, दो व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देना, लूट में बाइक का प्रयोग करना, मास्क का उपयोग करना आदि समानता है। ऐसा लगता है कि बैंक से ही उक्त लूट की घटना को अंजाम देने वाले पैसे निकालने वाले भोले भाले ग्रामीणों पर अपनी नजर जमाए रखते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है लुटेरे लूट की घटना को अंजाम दे देते हैं। जब तक मामला लूटने वाले ग्रामीणों की समझ में आए बहुत देर हो चुका होता है। बिना कार्ड अक्टूबर को प्रार्थी दुलारू राम साहू की रिपोर्ट पर चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रार्थी द्वारा बताया गया कि दिनांक 8 अक्टूबर को प्रार्थी द्वारा स्टेट बैंक गंडई से 16,000 रुपए नकद अपने खाते से निकाले गए, जिसे थैले में लेकर साइकिल में सामने लटका कर रखा हुआ था। तत्पश्चात देना बैंक जाकर उसने 25,000 रुपए निकाले जो अपने जेब में रखा हुआ था, तथा थैले का पैसा उस समय उसके पास था। घटना के पश्चात जड़ी बूटी की दुकान टिकरी पारा में स्थित है, वहां वह सामान खरीदने गया और थैले में ही अपना 16,000 रुपए वाला थैला छोड़ कर गया था, जिसे खरीदारी के दौरान ही कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। आसपास पूछताछ पर दो संदिग्ध मोटरसाइकिल में व्यक्ति द्वारा ले जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें खोजबीन की जा रही है, विवेचना की जा रही है। आपका नाम बताओ। सुषमा सिंह, थाना प्रभारी गंडई। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।